हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राम रतन बैरवा जी को। इन्होंने रिलायंस के ही एक प्रोडक्ट का हमने वीडियो बनाया था, वो देखिए। और उसके कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कमेंट या सुझाव के अनुसार ही या आपकी क्योरी के अनुसार ही चैनल पर वीडियो आए, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, और वीडियो पसंद आती तो शेयर जरूर करना है। तो अब बिना समय गवाए रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जानते हैं। ये कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, या आप कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर है। रिलायंस कैपिटल और निप्पॉन लाइफ के बीच में इनकी पार्टनरशिप है। निप्पॉन लाइफ एक जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस सेक्टर की ही, जो एक अच्छा खजाना पहचाना नाम है जापान में। और ये जुलाई 1889 में आई थी मार्केट में। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सुकेश बुरो हिरोस। और इसी के साथ में जो निप्पॉन लाइफ है वो 49% स्टेक होल्डरशिप रखती है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। निप्पॉन लाइफ का जो असेट्स है एट प्रेजेंट ज़्यादा है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली जिसका आइडिया में मिला है वो है 714.01 बिलियन US डॉलर। और निप्पॉन लाइफ के जो CEO हैं उनका नाम है हिरोशी सिमिज़ो। तो ये क्विक रिव्यू हो गया या क्विक ओवरव्यू हो गया आपका निप्पॉन लाइफ के बारे में। रिलायंस कैपिटल के बारे में आप लोग जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी जी ने 1986 में रिलायंस कैपिटल को फाउंड किया, मतलब इसकी संस्थापना की। और रिलायंस कैपिटल 91% स्टेक होल्डरशिप रखती है अपने पास रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। इस कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल अंबानी, और इस कंपनी के जो डायरेक्टर एंड CEO हैं उनका नाम है धनंजय तिवारी। किसके? रिलायंस कैपिटल के। ठीक है, बात आती है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, लेकिन उससे पहले एक लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे आप असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रिलायंस कैपिटल का देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि 90,000 करोड़ का असेट्स अंडर द मैनेजमेंट हमें यहाँ पे शो हुआ। रिलायंस निप्पॉन लाइफ मार्केट के अंदर आई है हमारी 14 मई 2001 के अंदर। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्रीमान आशीष वोहरा। इस कंपनी के 700 से ज़्यादा आपको ब्रांचेस या ऑफिस देखने के लिए मिलते हैं, 713 से ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं एडवाइज़र की, तो वो 42,604 से ज़्यादा हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट। अब हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्लेम विलेम देती है ये कंपनी या नहीं। 2018-19 में टोटल जो ग्रॉस प्रीमियम आया वो था 4,357.93 करोड़ का, और असेट्स अंडर द मैनेजमेंट थी 20,000 करोड़ से ज़्यादा का। इसी के साथ में बात आती है सॉल्वेंसी रेशो की, तो वो रहा 2.6, और क्लेम रेशो रहा इसका 97.71%, जो कि अच्छा सेगमेंट हिट करता है क्लेम रेशो का, या कहें कि हाई क्लेम रेशो है। 2019-20 में ग्रॉस प्रीमियम हो गया 4,440.94 करोड़, और असेट्स अंडर द मैनेजमेंट था 19,837। इसी के साथ में जो हमें देखने के लिए मिलता है क्लेम रेशो वो हो गया 98.12% का, और जो सॉल्वेंसी रेशो था वो 1.84 हो गया। अब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा वो है 2020-21 में जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट था वो 24,383 करोड़ हो गया 31 मार्च 2021 पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें अब जानना है कि टोटल ग्रॉस प्रीमियम कितना इन्होंने अर्न किया था, तो वो था 4,736.45 करोड़। तो लगातार देख रहे हैं कि हम प्रीमियम भी बढ़ रहा है, असेट्स अंडर द मैनेजमेंट भी ठीक है, क्लेम रेशो 98.49% हो गया, सॉल्वेंसी रेशो 2.45। ये इनका एप्लीकेशन है, जिसको आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, डिटेल आपको सभी तरीके की मिल जाती है, जिसका रिव्यू 336 रिव्यू वहाँ पे मिलते हैं, जिन्होंने जिसके अकॉर्डिंग जो रेटिंग है वो 2.6 की है। अब मान लीजिए कोई आपका इशू हो जाता है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर 1800-102-1010 सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या reliancelife.customerservice@reliancedda.com पे आप मेल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो आप नियर बाय विजिट कर सकते हैं इनके ब्रांच, अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो इनके जो कस्टमर हेड ऑफ हैं, ठीक है, कस्टमर केयर जो हेड होते हैं उसके, जो कस्टमर सर्विस के, उनको आप मेल कर सकते हैं डायरेक्टली
रिलायंस। अगेन जो ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, rnlife.headcustomercare@reliancedda.com। ठीक है, इसके बाद में भी अगर इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल आप कर सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बाकी ये ईमेल आईडी थी जहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू। अब मेरा आप बोल लीजिए ओपिनियन है या कह लीजिए सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल्स भी करते हैं हमसे, बात भी करते हैं, तो उनके बेस पे हमें पता लग जाता है कि किस तरीके का मामला चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को फेक सेल से बचाना होगा, राइट? कैसे? सिंपल सा लॉजिक है कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पढ़ें वेबसाइट पर जाके सीधा, या फिर अगर आपके पास फ़ोन कॉल आती है, आपको अलग अलग तरीके के ऑफ़र दिए जाते हैं, जैसे हैवी डिस्काउंट हो गया, हाई रेट ऑफ रिटर्न हो गया, या रिलायंस के टावर हो गए, या पॉलिसी को रिन्यू करने पे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाएगा, मनी वापस मिल जाएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, इस तरीके से आपको बचना है, विश्वास नहीं करना है। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर जाके आपको क्लिक करके सब कुछ पढ़ लेना है, यहाँ तक कि आप जो इनका IRDA से जो इनका लाइसेंस है उसका भी कॉपी आप चेक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप जाकर के ज़रूर इसको पढ़ें, देखें, सब कुछ चेक करें। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ये था इसका एक क्विक ओवरव्यू, जिसमें आपको क्लेम रेशो, सॉल्वेंसी रेशो के साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल और कंपनी का बैकग्राउंड भी यहाँ पे पता लग गया। इंश्योरेंस आपको हमेशा सब कुछ पढ़ के समझ के ही लेना है अपने रिस्क पे, ठीक है जी?